दोस्तों यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं ग्राम पंचायत सहायकों के बारे में, एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर। दोस्तों क्या आपका मानदेय आ चुका है? मेरा मानना है कि क्या आपका मानदेय जनवरी महीने तक का आ चुका है या किसी महीने का रह गया है। इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं किस तरीके से कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारियों के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें जनपद के समस्त पंचायत सहायकों के जनवरी महीने 2023 तक का मानदेय भुगतान किए जाने के संबंध में शासनादेश आया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस तरीके से आने वाले समय में ग्राम पंचायत सहायकों के द्वारा 100% ईमानदारी से अपने ग्रामीण विकास विभाग का काम करते रहते हैं, और आने वाले समय में जो भी शासनादेश सरकार के द्वारा दिया जाता है वो ग्राम पंचायत सहायकों के द्वारा 100% क्रियान्वयन किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं फिर भी कई जगह पर ग्राम पंचायत सहायकों का मानदेय अभी पेंडिंग है, तो इस पेंडिंग के मानदेय को अगर देखा जाए तो कई जगहों पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अटकी हुई हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हों चाहे वो आपके ग्राम पंचायत स्तर पे हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि इस विषय में दिनांक 17 फरवरी 2023 को अपर मुख्य सचिव महोदय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के समस्त पंचायत सहायकों का जनवरी माह 2023 तक का मानदेय तत्काल भुगतान कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है, यानी कि सभी सचिव ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान, इन लोगों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने विकासखंड की समस्त ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों के माह जनवरी 2023 तक का मानदेय भुगतान करने की कार्रवाई पूर्ण करते हुए भुगतान की सूचना पंचायती राज विभाग के वित्त आयोग की वेबसाइट prdfinance.up.gov.in के निर्धारित पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपका माह फरवरी 2023 का वेतन रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई या संस्तुति कर दी जाएगी, जिससे आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। दोस्तों जिला पंचायत राज अधिकारी लोन के द्वारा शासनादेश 20 फरवरी को जारी किया गया है और सभी सचिव और ग्राम पंचायत के नाम ये शासनादेश जारी किया गया है। तो दोस्तों जो भी ग्राम पंचायत सहायक बंधु हैं, जो लोग भी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, अपनी आजीविका चलाने में समस्या आ रही है, उन लोगों की बहुत बड़ी खबर ये है कि आपका मानदेय जल्दी से जल्दी आपके खाते में जनवरी तक का पहुंच जाएगा। दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपने इस चैनल पर तरह तरह की जानकारी लेके आता रहता हूं, आप लोगों की से जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो सीधे तौर पर आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप संविदाकर्मी हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर बहुत तरीके के सूचनाएं और बहुत तरीके के शासनादेश में लेके आता रहता हूं जो आप लोगों से बिल्कुल जुड़े होते हैं। निवेदन करते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों को इस वीडियो का फायदा